मूवी की शुरुआत में हमें 1945 का एक सीन दिखाया जाता है जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। यहाँ पर दो पायलट एक फाइटर प्लेन में बैठकर वापस अपने देश की तरफ जा रहे थे। इसी बीच इनका प्लेन एक ड्रैगन ट्रायंगल वाले आइलैंड से होकर गुजरता है। अचानक से इनके प्लेन के शीशे पर एक पक्षी आकर टकराता है और वो मर जाता है। जब तक ये दोनों पायलट कुछ समझते तब तक इनके प्लेन के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स आकर टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। अब ये दोनों पायलट अपनी जान बचाने के लिए पैराशूट से प्लेन से नीचे कूद जाते हैं। इनमें से एक पायलट तो सेफली आइलैंड पर उतर जाता है, लेकिन दूसरा अभी भी हवा में था जब इस समुद्र के अंदर से अचानक से एक बहुत ही बड़ा जायंट क्रोकोडाइल निकलता है और उस पायलट को खा जाता है और वापस पानी में चला जाता है। दूसरा पायलट ये सब देखकर घबराकर जंगल में भागता है। सीन बदलता है और अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक पैसेंजर प्लेन इसी ड्रैगन ट्रायंगल वाले आइलैंड से होकर गुजरता है। इस फ्लाइट में एक लिन नाम का आदमी था जो अपनी बेटी यी को एक लड़के से बात करता हुआ देख लेता है, और जब वो इसके बारे में अपनी बेटी से पूछता है तो वो उससे बहुत रूडली बात करती है। दरअसल इन दोनों बाप बेटियों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। जब ये अचानक से ये प्लेन हिलने लगता है लोग काफी घबरा जाते हैं। प्लेन के पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये अचानक से इस प्लेन से भी बहुत सारे बर्ड्स आकर टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से ये प्लेन भी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए पायलट प्लेन को पानी पर ही लैंड कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकामयाब होती है क्योंकि ये प्लेन एक चट्टान से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से प्लेन के दो टुकड़े हो जाते हैं। प्लेन के आगे के हिस्से में बैठे लोग तो तुरंत मारे जाते हैं और पीछे का हिस्सा अलग होकर किनारे पर बहकर आ जाता है। इस प्लेन क्रैश की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग घायल भी होते हैं। चैंग नाम का वो लड़का अभी भी जिंदा था। चैंग यी के पास आकर उसके बारे में पूछता है, लेकिन जब यी के डैड आकर उसे उस लड़के से बात करने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से यी फिर से नाराज हो जाती है। अब यहाँ पर सभी लोग अपने फोन से मदद बुलाने का ट्राई करते हैं, लेकिन किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, इसलिए यहाँ पर मौजूद सभी लोग टेंशन में थे। इन लोगों के पास पीने का पानी भी ज्यादा नहीं था, इसलिए लिन और चैंग जंगल में खाने पीने की तलाश में जाते हैं। यहाँ लिन चैंग से कहता है कि तुम मेरी बेटी से जरा दूर रहो। रास्ते में इन्हें जमीन पर बहुत ही बड़े जानवरों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन ये लोग उन निशानों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें एक हट दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ प्लेन से गिरे लोगों में से एक लड़का पानी में गिरे अपने सामान को देखता है, जब ही कोई चीज अचानक से उसे पानी में खींच लेती है, लेकिन किसी की भी नजर उस लड़के पर नहीं पड़ती। प्लेन से गिरे लोगों में ली नाम का एक आदमी और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी यहाँ पर फंस गए थे। ली अपनी वाइफ के लिए पीने का पानी लेने जाता है। जियान यहाँ यी से बात करती है और हमें पता चलता है कि यी और उसके डैड उसकी मॉम के फ्यूनरल से आ रहे थे। इधर जब ये लोग झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो उन्हें उसके अंदर कुछ हथियारों के साथ साथ एक किताब भी मिलती है। ये किताब उसी बचे हुए पायलट की थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इस किताब को पढ़कर इन्हें ये पता चलता है कि इस आइलैंड पर एक बहुत ही बड़ा जायंट क्रोकोडाइल मौजूद है। ये बात सुनकर लिन तुरंत भागकर अपनी बेटी के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ चाओ नाम का एक पैसेंजर एयर होस्टेस से पानी के लिए लड़ने लगता है। ली उसे बहस करने से रोकता है, लेकिन चाओ उल्टा उसी से लड़ने लगता है, और इन दोनों को छुड़ाने के चक्कर में एक आदमी पानी में गिर जाता है और अचानक से एक मगरमच्छ उस पर अटैक कर देता है। जब तक ये लोग कुछ समझते यहाँ देखते देखते बहुत सारे मगरमच्छ किनारे पर आ जाते हैं और इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, और इनसे बचने के लिए ये लोग जंगल की तरफ भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब लिन यहाँ पर पहुँचता है तो उसे यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि प्लेन से गिरने की वजह से जिन लोगों की मौत हो गई थी उन लोगों की डेड बॉडी भी यहाँ पर मौजूद नहीं थी। लिन मगरमच्छ के पंजों के निशान को देखकर समझ जाता है ये सारा काम मगरमच्छ का ही है, लेकिन यहाँ मौजूद मगरमच्छ के पंजों के निशान इतने बड़े नहीं थे जितना कि उस किताब में लिखे गए जायंट क्रोकोडाइल के थे। इसके बाद लिन अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वापस जंगल में जाता है। यहाँ ये सभी लोग मगरमच्छ से बचकर भाग रहे थे, जब एयर होस्टेस नीचे गिर जाती है और इनके पीछे पड़ा मगरमच्छ उसे खा जाता है। बाकी बचे हुए लोग भागते हुए एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। ये जगह इन लोगों को थोड़ी सेफ लग रही थी क्योंकि ये पानी झरने से बहकर आ रहा था, इसलिए ये लोग इस पानी को पी लेते हैं। जब ली नोटिस करता है कि झाड़ियों में से किसी के चलने की आवाज आ रही है, सभी लोग एकदम चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन झाड़ियों में से और कोई नहीं बल्कि लिन, चैंग और लू थे। अब यहाँ पर क्रोकोडाइल अटैक से घायल हुआ एक लड़का अपनी चोट से निकल रहे खून को पानी में धो रहा था। जब हम देखते हैं कि उसकी चोट से निकलने वाला खून जिस जगह पर गिर रहा था वहां पर पहले से ही वो जायंट क्रोकोडाइल मौजूद था, लेकिन अब वो क्रोकोडाइल उस आदमी के खून की महक सूंघ कर उठ जाता है। इतने बड़े क्रोकोडाइल को देखकर ये लोग बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। मगरमच्छ को देखते उस बेचारे लड़के के होश उड़ जाते हैं। जब तक वो लड़का कुछ रिएक्ट करता वो मगरमच्छ से खा जाता है। ये देखकर ये लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच एक लड़की का पैर चट्टान में फंस जाता है और वो मगरमच्छ उस लड़की को भी खा जाता है। लिन भी किसी तरह बड़ी मुश्किल से उस जायंट क्रोकोडाइल का खाना बनने से बचता है। बाकी सभी लोग भी उस मगरमच्छ से बचकर जंगल के बीच में भाग जाते हैं।
यहाँ ये सबसे कहती है कि भले ही हमारे फोन में सिग्नल नहीं आ रहे, लेकिन हम फिर भी अपने फोन के कंपास को खोलकर डायरेक्शन का पता लगाकर पेड़ों पर निशान लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन लिन को यहाँ उसका ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो सबसे चलते रहने को कहता है। आगे चलकर ये लोग वापस हट के पास पहुंच जाते हैं। अब रात गुजारने के लिए इन्हें एक जगह भी चाहिए थी, इसलिए ये लोग यहीं पर रुकने का प्लान बनाते हैं। इसी झोपड़ी में यी को दो ग्रेनेड और कुछ गोलियां भी मिलती हैं। वो उसे अपने फादर लिन को दे देती है। लिन उन गोलियों का बारूद निकाल कर उसे अपनी चोट पर लगा देता है। इसके बाद चैंग लिन के कहने पर उस बारूद पर आग लगा देता है। हालांकि इससे उसे काफी दर्द तो होता है, लेकिन उसका घाव भर जाता है। बाकी सब उसे ऐसा करते हुए देखकर सोल्जर समझने लगते हैं। इसके बाद रात में ये लोग एरोप्लेन से मिला खाना ही खाते हैं और खाने के खाली डब्बों को कैंप के चारों तरफ लगा देते हैं ताकि अगर क्रोकोडाइल यहाँ पर आए तो इन्हें पता चल जाए। यालिन बातों ही बातों में अपनी बेटी से पूछता है कि क्या वो स्मोकिंग करने लगी है। उसकी इस बात से यी गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ लिन लू को बताता है कि मेरी बेटी मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैं उसे 5 साल बाद मिला हूँ। इसके बाद लिन और लू रात को पहरा देने लगते हैं, जब ही इनके ऊपर एक कंकाल गिरता है। ये कंकाल और किसी का नहीं बल्कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाए गए पायलट का ही था। उस डेड बॉडी को देखकर ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि इसे क्रोकोडाइल ने नहीं खाया होगा, क्योंकि अगर क्रोकोडाइल इसे खाता तो इसकी हड्डियां भी मिलना मुश्किल होती। अगले दिन लिन अकेले ही जंगल में खाना इकट्ठा करने चला जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की फेंग और चाओ भी जंगल में आ जाते हैं। फेंग अपने फोन से इस जंगल की वीडियो बनाने में लगी होती है, जब भी उसके फोन की बैटरी डेड हो जाती है। इसी बीच उसका पैर एक चिपचिपी चीज पर पड़ता है, जिसे छुड़ाने के चक्कर में वो लिक्विड उसके पूरे शरीर पर लग जाता है, क्योंकि ये चिपचिपा लिक्विड यहाँ पर चारों तरफ फैला हुआ था। अब फेंग इस लिक्विड को छुड़ाने के लिए पानी ढूंढने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये चिपचिपा लिक्विड एक बहुत ही बड़ी मकड़ी का है। वहीं जब यी और चैंग सोकर उठते हैं और वो जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकलते हैं, जब उनकी नजर एक बहुत ही बड़े स्पाइडर पर पड़ती है। ये बड़ी सी स्पाइडर उसी हट के ऊपर सो रही थी जिसके अंदर ये सभी लोग सो रहे थे। ये दोनों तुरंत बाकी सभी लोगों को भी उठाते हैं। वो लोग भी इतनी बड़ी मकड़ी को देखकर एकदम घबरा जाते हैं और यहाँ से तुरंत चलने को कहते हैं। लेकिन यी के डैड इधर नहीं थे, इसलिए वो अपने फादर का वेट करने के लिए इन लोगों से कहती है। लेकिन वो मकड़ी भी कभी भी उड़ सकती थी, इन लोगों के पास ज्यादा समय भी नहीं था, इसलिए ये लोग मकड़ी से बचते हुए झोपड़ी से बाहर निकलते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि बाहर लूज हो रहा है। उसे देखकर चैंग उसे उठाने जाता है। जब इनमें से एक आदमी उस स्पाइडर से डर कर घबराहट में यहाँ से भागने लगता है और उस स्पाइडर से बचने की जगह उसी से ही टकरा जाता है। स्पाइडर की नींव टूट जाती है और वो तुरंत उस आदमी को मार डालती है। अब ये सब देखकर इन लोगों में भगदड़ मच जाती है। दूसरी तरफ लिन इन लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनता है और तुरंत भागकर इन लोगों के पास जाता है। यहाँ ये बड़ी सी मकड़ी कुछ लोगों को घेर लेती है। अब लू एक पत्थर उठाकर उस मकड़ी के मुंह पर मारता है, जिससे स्पाइडर का ध्यान लू पर आ जाता है और वो इन लोगों को छोड़कर लू का पीछा करने लगती है। थोड़ी देर में यहाँ पर और भी कई सारे स्पाइडर्स आने लगे थे, जिन्हें देखकर ये लोग फिर से यहाँ से भागने लगते हैं। ये सभी भागते हुए हट के पास वाली झाड़ियों के पास जाकर छुप जाते हैं, लेकिन वो स्पाइडर भी इनका बाहर ही निकलने का वेट कर रही थी। जब यहाँ पर लिन आता है और इन स्पाइडर का ध्यान अपनी ओर खींचकर उन्हें अपने पीछे लगाकर उसी हट के पास आ जाता है। यहाँ लू भी उसे मिल जाता है और फिर ये दोनों उसी हट के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस हट के ऊपर अभी भी एक स्पाइडर है। वो स्पाइडर एकदम से अपने टेंटिकल से लू के ऊपर हमला कर देती है। लू बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। यहाँ पर लिन उस स्पाइडर का टेंटिकल काट देता है, लेकिन टेंटिकल घुसने की वजह से लू का बहुत ज्यादा खून निकल गया था, जिसकी वजह से वो मर जाता है। अब वो स्पाइडर लिन के ऊपर भी हमला करने लगता है, लेकिन लिन किसी तरह उससे अपनी जान बचाता है और उसी के टेंटिकल से उससे लड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद मौका पाकर वो उन्हीं दोनों ग्रेनेड में से एक ग्रेनेड उस स्पाइडर के पास फेंक देता है, जिससे वो स्पाइडर मर जाती है। दूसरी तरफ बाकी लोगों को आगे जाकर कुछ फ्रूट्स पड़े हुए मिलते हैं, जिन्हें देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये फ्रूट्स यहाँ यी के फादर लिन ने ही छोड़े होंगे। इसके बाद आगे चलकर इनके सामने एक छोटी सी नदी पड़ती है। जियान और बाकी दो लोग तो नदी पार कर लेते हैं, लेकिन जब तक चैंग वो रिवर पार करता तभी वहां पर क्रोकोडाइल आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो क्रोकोडाइल चैंग को खाता, चबी है मौके पर यहाँ पर लिन आकर चैंग को बचा लेता है और बाद में बड़ी चालाकी से वो उस मगरमच्छ को वापस नदी में ही पहुंचा देता है। अब यहाँ पर यी को अपने फादर की इम्पोर्टेंस को पता चलता है और वो अपने फादर को प्यार से गले लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ फेंग और चाओ पानी के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर फेंग उस नदी में घुसकर अपने शरीर पर लगे लिक्विड को धोने लगती है, जब उसे पानी में कुछ गिरने की आवाज आती है, लेकिन ये दोनों उस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। यहाँ हमें पता चलता है कि वो आवाज उसी मगरमच्छ की ही थी। वो मगरमच्छ इनकी तरफ बढ़ता है और एकदम से फेंग का एक पैर दबोच लेता है। फेंग चाओ से मदद मांगती है, लेकिन चाओ उसकी मदद करने की बजाय उसको लात मारकर मगरमच्छ के पास धकेल देता है, जिससे मगरमच्छ का काम तो आसान हो जाता है और वो फेंग को मार डालता है। इधर लिन को वो क्रैश प्लेन मिल जाता है जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। प्लेन को चेक करने पर इन्हें इसमें ऐसी चीजें मिलती हैं जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि प्लेन का इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता था और इसी के रेडिएशन की वजह से यहाँ के मगरमच्छ और मकड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं।
यहीं पर इन्हें एक पुराना रेडियो भी मिलता है जिसे चैंग ठीक करने लगता है। इसी प्लेन में लू को एक मशीन गन भी मिलती है। अब रेडियो ठीक हो जाता है और ये रेडियो पर रेस्क्यू टीम से बात करके यहाँ के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम इन लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर आने लगती है। यहाँ ये सबको बताती है कि रेस्क्यू टीम साउथ ईस्ट की तरफ किनारे पर मिलेगी, इसलिए हमें किसी तरह वहाँ तक पहुँचना होगा। आगे चल के रास्ते में इन्हें चाओ भी मिल जाता है। यहाँ पर ये लोग चाओ से पूछते कि तुम्हारे साथ तो एक लड़की भी थी ना, वो कहाँ पर है? चाओ इन्हें बताता है कि अब वो मगरमच्छ के पेट में है। इसके बाद ये सभी साउथ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे चलकर इन लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ी नदी पड़ती है। अब बाकी सब तो तैरकर नदी पार कर सकते थे, लेकिन इनमें से एक औरत प्रेग्नेंट थी और उसका नदी पार करना बहुत मुश्किल था। यहाँ पर लिन अपना दिमाग लगाता है और पेड़ की टहनियां इकट्ठा करके एक क्राफ्ट बनाता है। इसके बाद वो पहले खुद रिवर पार करता है और फिर वो प्रेग्नेंट लेडी क्राफ्ट पर बैठ जाती है और बाकी लोग भी तैरकर नदी पार करने लगते हैं। अभी ये लोग कुछ दूर ही पहुंचे थे कि जभी लिन को नदी में मगरमच्छ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो इन लोगों को जल्दी से नदी पार करने को कहता है। इसी बीच उस प्रेग्नेंट लेडी को खींचते हुए क्राफ्ट की रस्सी टूट जाती है। बाकी लोग तो किसी तरह रिवर पार कर लेते हैं, लेकिन वो प्रेग्नेंट लेडी और उसका पति अभी भी नदी में ही थे। अब ली अपनी बेबी को बचाने के लिए उस राफ्ट को किनारे की तरफ धक्का देता है और उस मगरमच्छ का ध्यान भटकाने के लिए और अपनी बीवी और बच्चे की जान बचाने के लिए वो खुद उस मगरमच्छ का खाना बन जाता है। अब जियान तो किनारे पर पहुंच जाती है, लेकिन वो मगरमच्छ दोबारा से इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। यहाँ पर लिन उस मशीन गन से मगरमच्छ के ऊपर गोलियों की बौछार करने लगता है, लेकिन मगरमच्छ के ऊपर तो गोलियों का जैसे कुछ असर ही नहीं हो रहा था। इधर भागते हुए चाओ नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर ये उसकी मदद करने के लिए आती है, लेकिन चाओ उसी को खींचकर मगरमच्छ की तरफ ढकेल देता है। अब वो क्रोकोडाइल उसके ऊपर हमला करने ही वाला था कि जब यहाँ पर लिन फिर से आकर मगरमच्छ के ऊपर फिर से गोलियों की बौछार करने लगता है। मौका पाकर ये साइड हो जाती है, लेकिन इसी बीच फायरिंग के दौरान एक गोली चाओ के पैर में जाकर लग जाती है, जिसकी वजह से वो दौड़ नहीं पाता और उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसी वक्त उसे हार्ट अटैक भी आ जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। वो मगरमच्छ आता है और चाओ को खा जाता है और यहाँ पर उसे उसके कर्मों का फल भी मिल जाता है। अब बस ये चार लोग बचे थे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यी का जैकेट उस मगरमच्छ की पूंछ में फंस जाता है और वो मगरमच्छ उसे लेकर अपनी गुफा की तरफ चला जाता है। रात भी हो चुकी थी। लिन अपनी बेटी को बचाने के लिए उस मगरमच्छ के पंजों के निशान का पीछा करते हुए किसी तरह उस गुफा तक पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे वो प्रेग्नेंट लेडी और चैंग भी वहां पर आ जाते हैं। चैंग जियान को गुफा के बाहर ही बैठने को कहता है और वो खुद गुफा के अंदर लिन की मदद करने के लिए चला जाता है। यहाँ लिन गुफा के अंदर अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। ये मगरमच्छ से बचने के लिए गुफा के अंदर ही एक जगह पर छुपी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो अपने डैड की आवाज सुनती है वो भागकर अपने डैड के पास आ जाती है। लेकिन जब भी वो मगरमच्छ भी जग जाता है और इन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर लिन उसके ऊपर फिर से गोलियां चलाने लगता है और वो मगरमच्छ को अपने पीछे लगा लेता है। वो चैंग से कहता है कि वो यी को लेकर यहाँ से चला जाए। यहाँ पर लिन का प्लान था कि वो उस एक बचे हुए ग्रेनेड से उस मगरमच्छ को मार डालेगा, लेकिन हड़बड़ाहट में उसके हाथ से वो ग्रेनेड वहीं नीचे कहीं गिर जाता है। इधर चैंग यी को गुफा के बाहर जियांग के पास छोड़ देता है और खुद उस मकड़ी का टेंटिकल लेकर गुफा के अंदर फिर से लिन की मदद करने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिन मगरमच्छ से बचकर भागते हुए एक छोटी सी जगह के अंदर घुस जाता है, जहां पर वो मगरमच्छ नहीं घुस पाता। लिन उस मगरमच्छ के ऊपर खूब गोलियां चलाता है और जल्दी उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब चैंग भी गुफा के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर लिन उसे कहता है कि तुम सबसे पहले उस ग्रेनेड को ढूंढो। थोड़ी देर में चैंग को वो ग्रेनेड मिल जाता है। लिन उससे कहता है कि वो उस ग्रेनेड को मगरमच्छ के पास फेंक दे, लेकिन चैंग जानता था कि अगर उसने ग्रेनेड को मगरमच्छ के पास फेंका तो मगरमच्छ के साथ साथ लिन भी मारा जाएगा, इसलिए वो मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ करके वहां से भागने लगता है। चैंग जैसे ही लिन से थोड़ा दूर जाता है, वो ग्रेनेड का पिन निकाल कर मगरमच्छ के पास फेंक देता है, जिसके धमाके से वो मगरमच्छ बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब ये दोनों फाइनली थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब तो मगरमच्छ मर गया होगा। अब लिन चैंग के ऊपर गुस्सा भी नहीं होता, क्योंकि अब वो उसे समझने लगा था और अब ये दोनों साथ में बाहर जाने लगे थे। तभी वो मगरमच्छ उठकर फिर से इनके ऊपर हमला करता है। लिन तुरंत चैंग से मकड़ी का टेंटिकल लेकर उस मगरमच्छ का पेट चीर कर उसे मार डालता है और यहीं पर उस मगरमच्छ का काम तमाम हो जाता है। इसके बाद ये दोनों उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। ये अपने फादर को देखकर बहुत खुश होती है। अब वो दोनों साउथ ईस्ट की तरफ पहुंच जाते हैं और सुबह होते ही रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंच जाती है और वो इन लोगों को रेस्क्यू कर लेती है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको क्रोकोडाइल की एक और मस्त मूवी देखनी है तो ये वाली मूवी देखो, ये भी बहुत ही बढ़िया मूवी है। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।